लोकसभा परे राज्यसभारे महिला संरक्षण बिल पास। बिल सपक्षरे पड़ला 215 भोट, विपक्षरे पड़ला नहीं गोटिए भी भोट। बुधवार लोकसभारे बहुमतरे बिल पास होइतला। गतकाली दिन तमाम ए बिल उपरे चर्चा सरिबा परे भोटिंग होइतला। यापरे राज्यसभारे नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास होइछि। ए बिल देशर लोकंक उपरे एक नूतन आत्मविश्वास सृष्टि करिवो बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। या सहित बिल को समर्थन पई समस्तंकु जणाइथिले धन्यवाद। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन कर दिखाया नरेंद्र भाई ने, जो 75 साल से इस देश में नहीं हुआ। आज भारतीय राजनीति में सबसे सुनहरा पृष्ठ लिखा गया है महिला के अधिकारों के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और उसके लिए हम उनका जितना आभार करें उतना कम है। दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई और ये जश्न का माहौल है पूरे देश में, और मैं समझता हूँ ये रात को 12 बज रहा है और रात के 12 बजे देश आजाद हुआ था। आज महिला जो सशक्तिकरण का एक तरीके का जो चक्र है, दुष्चक्र चल रहा था, उससे आज महिलाएं आजाद होके आज मोदी जी के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं या बीजेपी के द्वारा एनडीए सरकार के द्वारा, वो आज सफल हुआ है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है, और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। ऐतिहासिक मुहूर्त है और भारत की 50% आबादी महिलाओं के लिए यह स्वर्णिम दिन है, और मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं कि इस स्वर्णिम दिन को, इस ऐतिहासिक मुहूर्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी बहनों को दिया है तो अत्युक्ति नहीं होगी।